हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी से चलती रहे और आप दूसरों को भी खुश रखें ताकि आप भी खुश रहें। जब आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आप अपने आप खुद भी खुश हो पाएंगे। जैसे आप कहीं भी पैसे जमा करते हैं उसके रिटर्न में कुछ आता है, तो जब आप इस सब दूसरों को खुश रखेंगे तभी आपके रिटर्न में आपके खाते में खुशी आएगी। और खुशियाँ बांटोगे तभी खुशियाँ मिलती है, और दुख बांटोगे तो दुख मिलता है। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसमें हम दो प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब क्या है कि विभिन्न प्रतिरोधों को आपस में किस तरीके से जोड़ा जाता है? क्या एक दो प्रतिरोधों के एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ा जाता है, या फिर दोनों प्रतिरोधों के सिरों से एक दूसरे प्रतिरोध के दोनों सिरे जोड़े जाते हैं? इस आधार पर हम प्रतिरोधों के संयोजन को परिभाषित करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ये दो तरीके होते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और इसके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन से। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हम तीन प्रतिरोध लेते हैं। मान लीजिए हम तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 एंड R3। अब हमने तीन प्रतिरोध ले लिए। एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3। तीन प्रतिरोध ले लिए। प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है यही होता है। इसके प्रतिरोध के मान लिए सिरा है AB, इस प्रतिरोध का सिरा है CD और इस प्रतिरोध का सिरे है EF। तो इसका एक सिरा हो गया A, एक सिरा हो गया B, R2 का एक सिरा हो गया C, एक सिरा हो गया D, R3 का एक सिरा हो गया E और R3 का एक सिरा हो गया F। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होता है। दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं R1 को R2 से जोड़ना चाहूँगा तो या तो A को मैं C से जोड़ दूंगा, या B को C से जोड़ दूंगा, या B को D से जोड़ दूंगा, या A को D से जोड़ दूंगा। एक सिरा A के सिरे से जुड़ेगा। सबसे पहले मैं R1 ले लेता हूँ। R1 A और B, और इधर है मेरा R2, तो C और D। ये एक सिरा इस सिरे से मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, ठीक है। फिर डी का सिरा ई से जोड़ दूंगा, ई से जोड़ दूंगा डी का सिरा। बहुत सिंपल है ना। देखिए मैंने क्या किया है,
R1 प्रतिरोध का एक सिरा B लिया है, उसको R2 प्रतिरोध के एक सिरे C से जोड़ दिया, और R2 प्रतिरोध का एक सिरा जो कि D है उसको R3 प्रतिरोध के एक सिरे E से जोड़ दिया, तो ये अपना क्या बन गया, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के से एक किसी भी एक सिरे से जोड़ देते हैं, तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम किसी विद्युत परिपथ में इसको जोड़ दें, श्रेणी क्रम संयोजन को विद्युत परिपथ में जोड़ दें, हमने जो श्रेणी क्रम संयोजन बनाया है जिसे वापस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, R1 है, B और C तो आपस में जुड़ गए, तो ये दोनों ए के पॉइंट हो गए, बी को बी और सी ए के पॉइंट हो गए, तो बी और सी बोल सकते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, यहाँ पर डी और ई ए के पॉइंट हो गए, इससे R3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एफ है, इसको मैं ए को भी एक पॉइंट लिख सकता हूँ, बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और इसको डी बोलते हैं। तो ये तीनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस पे मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक प्लस एक माइनस। बैटरी का जो वोल्ट विभवांतर है वो है वी, बैटरी का विभवांतर क्या है, वी। अब मैंने इस परिपथ को, ये क्या है, विद्युत चित्र किसका है, विद्युत परिपथ का, विद्युत परिपथ का चित्र है ये। विद्युत परिपथ को मैंने क्या किया है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। जैसे ही मैं इस बैटरी वोल्ट की बैटरी से जोड़ूंगा तो हमारा इसके अंदर क्या प्रवाहित होंगी, धारा प्रवाहित होंगी, धारा प्रवाहित होंगी। और ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इनके एक सिरे दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा होगी वो भी समान होगी। तो इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगी। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। मैं बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। तो परिपथ में जब बैटरी लगाई जाती है, बैटरी जिसका वोल्टेज क्या है, वी लगाई जाती है, तो क्या होता है, तो प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। तो जब बी वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, और इस धारा का मान आई है, धारा का मान आई है, लेकिन धारा तो समान है। अब इस R1 प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर होगा V1, प्रत्येक प्रतिरोध का कुछ विभवांतर होगा, अलग अलग होगा। R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, मान लीजिए V1 होगा, और इसका मान क्या होगा, इसके सिरों पे विभवांतर क्या होगा, V1। R1 के सिरों पे विभवांतर क्या होगा, V1। V1 की वैल्यू क्या होगी, इसका प्रतिरोध इनटू इसमें होकर जाने वाली धारा जो कि क्या है, I, तो IR1। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध इनटू धारा, ये तो ओम का नियम है कि विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध इनटू धारा, तो हो जाएगा IR2।
इसी प्रकार से R3 के सिरों पर प्रवाहित होने वाली धारा V3 बराबर R3 इंटू I, तो ये हो जाएगा IR3। तो मेरे पास तीन प्रकार R1 प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर आ गया V1 बराबर R1 इंटू I होगा IR1, R2 के सिरों पे विभवांतर V2 बराबर R2 इंटू IR2, और R3 के सिरों पे विभवांतर V3 बराबर R3 इंटू I बराबर IR3। ये हमारे पास हुई समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब मैं निकालता हूँ ये जो बैटरी का वोल्टेज होगा, ये तीनों, ये यहाँ पे V2 है और यहाँ पे ये V3 है, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा V, विभवांतर होगा वो इन तीनों विभवों का योग होगा। तो क्या होगा? तीनों विभवों का योग होगा। तो बैटरी का जो विभवांतर होगा V, वो तीनों विभवांतरों का योग होगा। तो बैटरी का विभवांतर V तीनों प्रतिरोधों के विभवांतरों का योग होगा। विभवांतरों क्या है? तीनों के विभवांतर V1 V2 एंड V3 का योग होगा। तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि कुल विभवांतर कितना है? V, और तीनों चालकों के सिरों का विभवांतर क्या है? V1 V2 V3, ये तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर है। और समीकरण हमने क्या लिखे? समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से V बराबर क्या हो जाएगा? IR1। V1 क्या है? IR1। V2 क्या है? IR2। और V3 क्या है? IR3। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हमारे पास समीकरण नंबर 4 आ गई। अब यहाँ पे देखिए, ये तीन प्रतिरोध है, R1 R2 और R3, तीन प्रतिरोध हो गए। तीनों के प्रतिरोध का हम एक तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। माना कि क्या माना? कि R1 R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या है? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है R। क्या माना मैंने? R1 R2 और R3 तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। तो इस सर्किट को कैसे बना सकता हूँ मैं? अगर मैं मान लूँ कि R1 R2 और R3 तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है? तीनों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो मैं इस तीनों की जगह A, ये तीनों किसके बीच में है? A और D के बीच में है। ये तीनों किसके बीच में? A और D के बीच में, तो A और D बना दिया मैंने। इन तीनों का मान लीजिए बराबर, तीनों का एक एक ही तीनों का दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो एक प्रतिरोध मान लो R के बराबर आता है। मान लो एक दो है, ये तीन है, तीनों को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। तो इन तीनों की जगह मैं R लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी वोल्टेज V है, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I है। तो इसके सिरों पे विभवांतर कितना होगा? R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पे विभवांतर क्या होगा? V बराबर IR। अब समीकरण 4 और 5 को देखिए। अब समीकरण 4 में V बराबर क्या है? I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण 5 में क्या है? V बराबर IR। दोनों की तुलना करें, अगर हम समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण चार व पाँच की तुलना करेंगे क्या होगा? देखिए, हमें
आर की जगह क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, बाकी सब सेम है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं भी प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो तीनों का योग होता है, तीनों के मानों का योग होता है। तो श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो हमारे पास में क्या निकल के आया कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के मानों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हमारे पास आया। और हमारे पास और में हमने क्या देखा कि ये आर वन थे, ये आर टू थे, ये आर थ्री थे, ये श्रेणी क्रम में है तो इनमें समान धारा प्रवाहित होती, और इनमें अगर हम बैटरी से जोड़े तो ये धारा प्रवाहित होगी, इसके सिरों पे विभवांतर V1 होगा, इसके सिरों पे विभवांतर V2 होगा, इसके सिरों पे विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप बेहिचक होके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न लिखिए, तीन प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस पर इन प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो इस परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहले तो आपको ये ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा निकालनी है। और दूसरा क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर निकालना है। ये दो काम करने हैं हमको, एक तो प्रत्येक प्रतिरोध में से होकर जाने वाली धारा निकालनी है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। तब इसको हम एक बार चित्र बना लेते हैं। तीन प्रतिरोध है, एक 1 ओम है, एक 2 ओम है और ये 3 ओम है। इसको मान लेते हैं आर वन, इसको आर टू और आर थ्री, इससे बैटरी लगाई है V, तो V बराबर हो गया हमारे पास में 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसके कारण इसमें मान लीजिए धारा प्रवाहित होती I। तो प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा, क्योंकि तीनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तीनों में से होकर जाने वाली धारा भी बराबर होगी। तीनों में से होकर जाने वाली धारा का मान क्या होगा, I होगा। अब तीनों तीनों हल हल कर रहे हैं हम, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन क्या है, 1, आर टू टू, आर थ्री थ्री, ये क्या हो जाएगा 6 ओम, क्या हो जाएगा 6 ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो हमारे पास में इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस परिपथ को हम इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए ये आर है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है V, और इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है I, तो I की V बराबर क्या हो जाएगा, IR, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, V का वैल्यू क्या है 6, और तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 ओम, तो
तो 1 एम्पियर धारा परिपथ में होके गुजरेगी, और प्रत्येक प्रतिरोध, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में से होकर जाने वाली धारा का मान समान होगा, इसलिए R1, R2 और R3 तीनों में ही 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब हम ज्ञात करते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है प्रत्येक सिरों, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर, जो कि क्या होगा V1, V2 और V3। तो V1 निकालेंगे, तो V1 किसका है, R1 प्रतिरोध का विभवांतर है, तो R1 प्रतिरोध इंटू इससे होने वाली धारा, तो R1 प्रतिरोध और इससे धारा तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। V2 होगा R2 प्रतिरोध और इसमें से ऊपर जाने वाली धारा, तो 2 × 1 = 2 वोल्ट। और V3 हो जाएगा R3 × I, यानी 3 × 1 = 3 वोल्ट। तो अगर हम तीनों को जोड़ें तो टोटल कितना आता है, 6 वोल्ट, जो कि क्या है, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। तो हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी, और कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।